यूपी के मीरगंज में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से एक नवजात की मौत हो गई। मीरगंज सीएचसी में एक गर्भवती महिला को भर्ती किया गया था। हालत बिगड़ी देख डॉक्टर ने उसे बरेली जिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन आशा कार्यकर्ता ने कमीशनखोरी के चक्कर में उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां डिलीवरी की थोड़ी देर बाद ही मासूम की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के अंदर जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।